पूर्व मंत्री विनोद यादव उर्फ कक्का के आगमन पर अनिल दोहरे ने किया गर्मजोशी से स्वागत। आज अखिल भारतीय दोहरे समाज महासंघ के प्रदेश प्रभारी अनिल दोहरे के लखनऊ स्थित आवास पर पूर्व मंत्री विनोद यादव उर्फ कक्का के प्रथम आगमन पर उन्हें पुष्पहार व पगड़ी पहनाकर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भेंट की। अनिल दोहरे व पूर्व मंत्री ने मिलकर विधानसभा वर्धना के लगभग दर्जन भर प्रधानों को पुष्पहार व संविधान निर्माता की प्रतिमा भेंट करके स्वागत किया। प्रधानों की इस श्रेणी में रामकृष्ण राजपूत, मुन्नीलाल दोहरे प्रधान असदपुर, राम कुमार राजपूत, हाकिम सिंह दोहरे, अवधेश दोहरे, गोविंद दोहरे, शिशुपाल दोहरे आदि लोगों को सम्मानित किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सिर्फ हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में किए गए कार्यों का फीता काटा है। विकास के नाम पर सिर्फ झूठे वादे किए, देश की संपत्ति को बचाने का काम किया जा रहा है। रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ विश्वासघात किया गया है। भाजपा सरकार रेलवे, एयरपोर्ट, LIC, BSNL, लाल किला सहित तमाम देश की संपत्ति को पूंजीपतियों के हाथों बेचकर देश को फिर से गुलाम बनाने का काम कर रही है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ रोजगार, किसानों और व्यापारियों के हितों के साथ स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों को चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। स्वागत समारोह के दौरान अनिल दोहरे के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. जय सिंह चौहान, उपेंद्र यादव, उदरकोट वरिष्ठ सपा नेता गपोचे त्रिपाठी, वरिष्ठ सपा नेता उदयवीर पाल, सतेंद्र दोहरे, अंकित दोहरे, सौरभ दोहरे आदि लोग मौजूद रहे। जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह की रिपोर्ट। अभी हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री विनोद यादव उर्फ कक्का। कक्का जी, हम जानना चाहते हैं कि इस समय जो देश में, प्रदेश में हालात बने हुए हैं, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है केंद्र सरकार व राज्य सरकार। राज्य सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, इसका क्या कारण है? देखिए, राज्य सरकार कोई विकास का काम तो कर नहीं रही, सिर्फ फूट डालना, उसके आधार पर काम करना, किसी तरह का कोई विकास नहीं है। जो भी वो आज जिन भी चीज़ों के उद्घाटन कर रहे या शिलान्यास कर रहे हैं, वो पूर्व में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा उद्घाटित कार्यक्रम है। सभी वो बनी हुई चीज़ें हैं, उन्हीं का वो उद्घाटन कर रहे हैं। केंद्र सरकार को आपने देखा होगा, कहीं पे कोई पावर हाउस का काम नहीं किया, कहीं बिजली उत्पादन के लिए काम नहीं किया, कहीं भी अस्पताल नहीं बनाए। आए दिन आपने देखा, कभी एयरपोर्ट बेच दिया, कभी रेलवे बेच दी, जो मर्जी आए कभी LIC बेच दी, जब मर्जी आए वो बेचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई चीज़ बनाने का काम नहीं किया है, सिर्फ वो माहिर हैं तो पेपरबाजी में, विज्ञापन में और बात में। जैसा कि पूरे देश में देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या चाहती है सरकार? देखिए, अब उनके पास कोई काम करने का कोई नीत और नियत और ना नीत है, ना तो नीत है ना नियत है। उनको काम करना ही नहीं, उनको तो देश को बेचना है और पूंजीपतियों को उन्हें पैसा वाला बनाना है, क्योंकि उन्हीं ने इनको चुनाव लड़ा के यहाँ तक सत्ता में लाए हैं। तो वो उनका कर्ज चुकाने का काम कर रहे हैं। जनता कहाँ जा रही है उस पर उनका कोई ध्यान नहीं, जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। आप देख लें कि पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है, गैस कहाँ है, आपको सब पता है। दवाइयों की कीमत भी बढ़ रही, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही, हर चीज़ की उन्होंने कीमत बढ़ाई। और लेकिन उन्होंने जो प्रचार किया था कि हम सिलेंडर दे रहे, सिलेंडर आपने दे दिया है, गैस कौन देगा? आपने तो दो बार की गैस